तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यहाँ पे आप देखिए मैं जो हूँ वो आपको आज ये झटपट से एक भगरे हुए चावल बनाना सिखा रही हूँ। तो जो कोई भी क्विक अगर मेहमान आ जाते हैं आपके अचानक घर में, तो आप लोग बड़े क्विक से ये बना सकते हैं। उधर जाना शुरू। तो और ये इसमें मैंने थोड़ा सा मैं अभी डेढ़ कप के करीब जो है वो मैंने चावल ले लिए हैं, ठीक है। तो एक स्मॉल साइज का ऑनियन जो है वो मैंने इसमें कट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें से आधे ऑनियन जो है वो मैं निकाल लूँगी और बस थोड़े से अनियन जो है वो डालेंगे, फिर बाकी जो है वो हम गार्निशिंग में डालेंगे। ये बहुत अच्छे चावल बनते हैं। कोई भी सलाद अगर आपके पास पक्का हुआ हो और आप झट से ये चावल बना लीजिए मेहमानों के सामने रखने के लिए, ठीक है। तो बस ये आप ब्राउन होने दीजिए और ब्राउन करके हम आपको बताते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये जो है ना हमारी प्याज जो है वो लाल हो गई है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको क्विक से जो है वो इंग्रेडिएंट्स भी इसके नोट करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो लहसुन अदरक ले लिया है और ये ले लिया है एक हरा धनिया छोटा सा और थोड़े सा 2 टेबल स्पून हरा धनिया पुदीना ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाले का ले लिया है, ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून और एक मैंने चिकन क्यूब ले ली है, 3 मिर्चा ले ली है। अगर चिकन क्यूब आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मत डालिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इसमें से जो है वो आधी प्याज जो है वो समझ लीजिए आप निकाल लूँगी, ठीक है। वो सिर्फ जो है वो हम गार्निशिंग के लिए निकाल रहे हैं, थोड़ी सी बिल्कुल, ठीक है ना। और इसके बाद जो है वो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ठीक है। और ये सारा मिक्सचर जो मैंने आपको बताया है ये मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है वो नमक मैंने डालना है, हसबे जायका सब अपने अपने नमक डाल लें, जो जिसको जितने जितने चावल बना रहे हैं उसके हिसाब से। मैं 1.5 चम्मच डाल 1.5 कप चावल बना रही हूँ तो मैं 1.5 कप के हिसाब से नमक डाल देती हूँ, लेकिन चिकन क्यूब में नमक होता है, ठीक है ना। तो फिर ये भी याद रखें, अगर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, मैंने डाल दिया है 1.5 चम्मच अपना और मैं इसको चख लूँगी चावल डाल के। ये देखिए हमारा ये मिक्सचर जो है वो झट से जो है वो रेडी हो गया है, ठीक है, भगारे हुए चावलों के लिए। और इसमें पुदीने की अगर डंडी डालना चाहे, मेरे पास जो है वो बेबी पुदीना था बहुत ही फ्रेश सा, तो मैंने उसकी डंडियाँ भी डाली हैं, इट्स ओके, वो मैं बाद में निकाल भी लेंगे। और हरा धनिया डाल दिया है, बस मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं इसमें चावल जो है वो अपने डाल दूँगी। मैंने गरम मसाले का पाउडर डाल दिया है, तो हमें कोई भी गरम मसाला ऊपर से भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बे लीव्स हैं तो वो ज़रूर आप डाल दीजिए, मेरे बे लीव्स जो हैं वो अभी नहीं मिल रहे थे तो मैंने नहीं डाले। अच्छा, अब एक आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप जो है वो छोटा एक फ्राई पैन लेके उसमें सिर्फ 1 चम्मच जो है वो देसी घी लीजिए और थोड़े से जो है वो इसमें आपके पास काजू है अगर तो आप इसमें काजू डालिए और देसी घी में इसको सिर्फ शैलो फ्राई कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये सजाने के ऊपर काम आ जाएंगे। मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगी कि कैसे हमने प्रेजेंटेशन करनी है, तो ये झटपट से चावल भी आपके एक उम्दा चावल लगेंगे, ठीक है ना। तो बस ये हमारी जो है वो मसाला रेडी हो गया, मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ, आपको बता देती हूँ चावल डाल के और फिर मैं इसको मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप लोग जो है वो सीधी अपने सिंपल वाली जो हमारी पतीलियाँ होती हैं या पॉट होता है उसमें बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से पानी डालिएगा। मैं जो हूँ यहाँ पे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो उसके हिसाब से पानी डालूँगी। ये मेरे चावल जो हैं यहाँ पर ज़्यादा पानी लेती हैं, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा जो ब्रांड के आप लोग चावल बनाएंगे वो कैसा पानी ले रहे हैं, तो उस हिसाब से डालिए, ठीक है ना। तो बट मोस्टली हम चावल का अंदाज़ा इसी तरीके से कर लेते हैं, ये देखिए हमारे। और ये इस टाइम पर आप जो है वो याद से जो है वो थोड़ा सा वो चख लीजिए कि नमक हमारा ठीक है या नहीं। यहाँ पे मेरे हल्का सा मैंने
तेल डाल दिया है अपने काजुओं में भी, वो शेल्फ फ्राई हो जाएंगे इतनी देर में, ठीक है। अच्छा तो ये देखिए, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इसका चख लूँगी, इसे कहने नहीं। नमक, मेरा नमक, मेरे चावलों में नमक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। पुलाव के जैसा जायका आ रहा है बिल्कुल इसकी यखनी में। ये हमारी यखनी जो है वो ऐसी झटपट बनती है और बिल्कुल अच्छी बनती है, ठीक है। तो मैं इसमें प्रेशर लगा देती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि एक सीटी आ जाएगी तो हम प्रेशर बंद कर देंगे, क्योंकि वो चावलों के लिए काफ़ी हो जाता है, फिर वो नेचुरल रिलीज जब तक होगा और वो चावल अच्छे से दब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी ये जो है थोड़े से काजू लिए हैं मैंने बिल्कुल, क्योंकि मेरे चावल थोड़े से हैं तो उसके मैं सिर्फ गार्निशिंग करने के लिए थोड़े से इनको ब्राउन कर लूँगी, ठीक है। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन की, बताती हूँ जी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। मैं इनकी प्रेजेंटेशन आपको कट के बताती हूँ। ये देखिए, मैंने एक सीटी के बाद ये बंद कर दिए थे और बस इनको प्रेशर रिलीज जो है वो नेचुरली किया है। चावल बिल्कुल गल के रेडी हैं और मैं आपको प्रेजेंटेशन करके और फिर बताती हूँ जी। तो व्यूअर्स, ये है हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन। कोई भी मेहमान आता है आपके पास, आप झटपट से ये राइस बनाइए। ये राइस बिल्कुल पुलाव के जायके के होते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, हर चावल से ही, हर सालन से ही जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह।